हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि कामत्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए बिना बेल्ट वाले ब्लाउज के टक्स की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इनकी स्टिचिंग भी काफ़ी इजी है और बिना बेल्ट वाले ब्लाउज़ की फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आती है, जैसे कि हम बेल्ट वाले ब्लाउज रेडी करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे कि आप ये नीचे वाला निशान देख रहे हैं, यहाँ से हमने इसे फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ हमने टक्स के निशान लगाए हुए हैं। अब हम इन टक्स की स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से हमने इसे पकड़ना है, जहाँ से हम सिलाई करेंगे वहाँ से एक पैर का मार्जिन देते हुए आगे की तरफ सिलाई को बिल्कुल कपड़े के बाहर की तरफ ले आएंगे, मतलब तिरछी सिलाई करनी है हमने। अगर आप इस ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और धागे को काटने से पहले हमने इसमें थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा छोड़ना है ताकि जो हम टक्स की सिलाई कर रहे हैं कहीं उनकी सिलाई निकल ना जाए काटने की वजह से। दोनों फ्रंट पीस में हमने सिलाई बराबर करते जाना है। जैसे कि उसमें एक टक लगाया तो हम सेम टक इधर की तरफ भी स्टिच करके इसे कम्प्लीट करेंगे। दोनों पीसेस को साथ साथ रेडी कर रहे हैं हम। अब हम नेक्स्ट टक की स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से पकड़ते हुए इस पर भी सेम एक पैर का मार्जिन ही देना है। स्टिचिंग करते वक्त एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई को बिल्कुल बारीक कपड़े के बाहर की साइड ले आना है ताकि तिरछी सिलाई आ जाए उसके ऊपर। इसी तरह हम बाकी के जो टक्स हैं उनकी स्टिचिंग करके कंप्लीट करेंगे। ये हमारा कमर की साइड वाला टक है, इसको हम चौक से एक बार ड्रॉ कर लेंगे और कुछ इस तरीके से पहले इसे हमने 1.5 इंच तक सीधा ड्रॉ किया है, वहाँ तक इसे सीधी सिलाई करेंगे और फिर इसके बाद में तिरछी सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लेना है हमने। सेम उसी तरीके से हमने इसमें भी पहले सीधी सिलाई और फिर तिरछी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने दोनों पीसेस में टक्स लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा इसका। सेम लुक वही है जैसा कि बेल्ट वाले ब्लाउज में होता है, बस इसमें हमने बेल्ट अलग से नहीं डाली है। अब इसकी हमने जो हुक और काज वाली पट्टी है वो लगाकर रेडी करनी है। हुक और काज वाली पट्टी को ब्लाउज के साथ में किस तरह से स्टिच करना है उसकी वीडियो अलग से मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। ये हुक वाली पट्टी है, इसे हमने डायरेक्टली इस पीस के ऊपर डबल करते हुए रखना है और इसको सीधा एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलकर कंप्लीट कर लेना है। पट्टी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट कर देंगे और उसे सिलकर एंड तक कंप्लीट करेंगे। और पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है हमने और जो इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे वो पट्टी के ऊपर लगानी है, जिससे इसको फोल्ड करने में काफ़ी आसानी होगी। और ये भी पता नहीं चलता है कि आपने कोई कपड़ा एक अलग से यहाँ पर जोड़ा हुआ है। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इसके ऊपर मोटी सिलाई लगाकर इसे ब्लाउज के साथ में स्टिच करना है ताकि बाद में हम इसे तुरपाई करेंगे तब इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। अब ब्लाउज के दूसरे पीस के साथ में हमने काज वाली पट्टी को अटैच करना है। आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है। इस पट्टी को अटैच करने के लिए पट्टी का जो सीधा हिस्सा है ब्लाउज के उल्टी साइड में रखना है
और फिर इसे एक पैर का मार्जिन देते हुए हमने इसे स्टिच करके कंप्लीट करना है ब्लाउज के साथ। पट्टी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। हुक वाली पट्टी ब्लाउज के नीचे की साइड फोल्ड होती है और जो काज वाली पट्टी होती है ब्लाउज के ऊपर की साइड फोल्ड होती है। हमने इस तरह से क्रीज बनाते हुए इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है ताकि ये ऊपर की तरफ आ जाए और फिर इसके अच्छे से सेट करते हुए इसके किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करना है। पट्टी पर जो सिलाई लगाएंगे वो वहीं पर लगेगी जहाँ पर हमने पहले वाली सिलाई लगाई थी। जस्ट उसी के ऊपर पट्टी को सेट करते हुए सिलाई लगाकर रेडी करना है। काज पट्टी पर हमने एक सिलाई लगा ली है। अब इस पर एक पैर का मार्जिन देते हुए हमने एक सिलाई और लगानी है जहाँ पर हम इसके बीच में ही काज बनाएंगे और बहुत ही अच्छा लुक आता है इससे। एक पैर का मार्जिन देंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बिना बेल्ट वाले ब्लाउज़ के दोनों साइड के टैक्स लगा कर इसे कंप्लीट कर लिया है और इसके ऊपर हुक और काज वाली पट्टी भी अटैच कर दी है। और जब हम इसे रेडी करेंगे कुछ इस तरीके का लुक आएगा जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से इसे नीचे से फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक दिखाई दे रहा है इस ब्लाउज़ का और रेडी होने के बाद में तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये वाला ब्लाउज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और ब्लाउज से रिलेटेड और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसी तरह से आप मुझे मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप सबके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।